साउथ के ऐसे सुपरस्टार जो दिखावे के लिए झूठे संस्कारी बनने का नाटक करते हैं, एक्ट्रेस के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि हमेशा लोग इन्हें बुरा भला कहते हैं। कैमरे के पीछे की सच्चाई जानकर हर कोई दंग रह जाता है। ये एक्टर्स अपने घमंड को लेकर हमेशा ट्रोल होते रहते हैं। दरअसल हाल ही में साउथ के सुपरस्टार और पॉलिटिशियन नंदमुरी बालकृष्णन गैंग्स ऑफ गोदावरी नाम की एक तेलुगु फिल्म के प्री रिलीज इवेंट में गए थे, जहां उन्होंने सिर्फ इसीलिए तेलुगु एक्ट्रेस अंजलि को धक्का मार दिया क्योंकि अंजलि उनके कहने पर उनके साथ पोज देने में एक मिनट लेट हो गई। इतने में ही नंदमुरी बालकृष्ण को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अंजलि का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए उन्हें धक्का दे दिया, जिससे अंजलि गिरते गिरते बची, जो यह दिखाता है कि खुद को संस्कारी बताने वाले साउथ के सुपरस्टार बस कैमरे के सामने संस्कारी होने का दिखावा करते। लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है उसकी सबसे खराब बात यह है कि खुद को सुपरस्टार मानने वाला एक एक्टर जब हजारों लोगों के सामने अपने साथ काम करने वाली एक लड़की के साथ ऐसा कुछ करता है, तब वहां मौजूद किसी भी इंसान की कोई गलती नजर नहीं आती। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये मान रहे हैं कि नंदमुरी बालकृष्ण की इस हरकत से साउथ की काली सच्चाई खुलकर बाहर आ गई है, जिसकी वजह से नंदमुरी बालकृष्ण बहुत ज्यादा ट्रोल भी हो रहे हैं। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दे कि नंदमुरी बालकृष्ण साउथ के सबसे बड़े सुपरस्टार और आंध्र प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके एनटी रामाराव के बेटे और जूनियर एनटीआर के चाचा हैं, और वह कुछ सालों से तेलुगु फिल्मों में काम भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि नंदमुरी को उनके फैंस किसी भगवान की तरह पूजते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहें तो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में नंदमुरी का सिक्का चलता है। यही रीजन है कि दुनिया के सामने अपने साथ मिसबिहेव करने वाले नंदमुरी को जवाब देने की जगह अंजलि ट्वीट करके नंदमुरी की तारीफ करते नहीं थक रही है। हालांकि बहुत से लोग यह मान रहे हैं कि यह ट्वीट अंजलि ने खुद नहीं किया, बल्कि उन पर प्रेशर डालकर उनसे वह ट्वीट कराया गया, क्योंकि अंजलि ने उस रात को कोई ट्वीट नहीं किया था जिस रात वह इवेंट में थी। बल्कि जब अगले दिन मामला बढ़ गया और लोग सोशल मीडिया पर नंदमुरी को ट्रोल कर रहे थे, तब अंजलि ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर कहा कि वह और बालकृष्णा बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोनों हमेशा एक दूसरे की इज्जत करते हैं। यहां तक अंजलि ने बालकृष्ण को अपनी फिल्म के इस इवेंट में आने के लिए थैंक्स भी बोला, जिससे पता चलता है कि तेलुगु इंडस्ट्री में बालकृष्ण की अहमियत क्या है और क्यों कोई उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। वैसे अंजलि ऐसी पहली एक्ट्रेस नहीं है जो नंदमुरी के गुस्से का शिकार हुई हो, बल्कि इससे पहले भी कई एक्टर्स उनके गुस्से और मिसबिहेव का शिकार हो चुकी है। जैसे 2022 में जब नंदमुरी शहरी नाम की एक फिल्म के पोस्टर रिलीज में गए थे, तब वहां किसी रीजन की वजह से इवेंट में देर हो रही थी। तब नंदमुरी इससे गुस्सा हो गए और उन्होंने अचानक अपना फोन अपने मैनेजर की तरफ फेंक दिया था। यहां तक कि नंदमुरी को इस इवेंट से जाने की इतनी जल्दी थी कि जब पोस्टर लिफाफे में पैक होकर आया तो नंदमुरी उसे खोलने की इतनी जल्दी में थे कि उन्होंने ये तक नहीं देखा कि वो उल्टा है या सीधा, और जब उन्हें पता चला तो उन्होंने बिना यह देखे उसे पलट दिया। उनकी इस हरकत की वजह से उनके पास खड़ी फिल्म की मैन लीड सिमरन चौधरी को चोट लग सकती थी। इससे साफ झलकता है कि साउथ के सुपरस्टार के संस्कार सिर्फ नाम के ही है। वैसे इस मामले में उनके भतीजे जूनियर एनटीआर भी कुछ कम नहीं है। वैसे तो जूनियर एनटीआर दुनिया के सामने बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन इनके भी खाने के दांत कुछ और दिखाने के कुछ और हैं। जब एनटीआर अपनी किसी फिल्म के प्रमोशन करने के लिए जाते हैं, तब घर के किसी अच्छे बच्चे की तरह सबसे प्यार से बात करते हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा इनके सामने से हटता अपना रंग बदल लेते हैं। बता दें कि ये वीडियो क्लिप तब की है जब जूनियर एनटीआर वॉर 2 की शूटिंग के लिए मुंबई आए थे। जब वह शूटिंग खत्म करके वापस चेन्नई जा रहे थे, तब एक फैन उनकी एक फोटो के लिए उनके पीछे पीछे चल रहा था, जिसे देखकर जूनियर एनटीआर का पारा चढ़ गया और उन्होंने उसे वहीं पर अपना गुस्सा दिखा दिया, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि यह वही जूनियर एनटीआर है जिनकी फिल्म के म्यूजिक लॉन्च इवेंट में भगदड़ मचने से उनके एक फैन की मौत हो गई थी। तब एनटीआर ने उसकी पूरी फैमिली को ही अडॉप्ट कर लिया था। ऐसे में उनसे इस तरह के बिहेवियर की उम्मीद किसी को नहीं थी। जूनियर एनटीआर या साउथ के बाकी सुपरस्टार्स तो एक बार कैमरे के सामने खुद को संस्कारी दिखाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन अब हम आपको साउथ के एक ऐसे एक्टर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका घमंड तो कैमरे के सामने भी कम नहीं होता। हम बात कर रहे हैं एक्टर महेश बाबू की, जो कभी तो खुद को रणबीर कपूर का फैन बताते तो कभी हिंदी फिल्मों का मजाक उड़ाते।
बता दें कि जब बॉलीवुड वर्सेस साउथ कंट्रोवर्सी चल रही थी, तब महेश बाबू ने कैमरे के सामने ये कहा था कि वो बॉलीवुड में इस तरह काम नहीं कर सकते, क्योंकि बॉलीवुड के पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो उन्हें अफोर्ड कर सके। महेश की इस हरकत से उस वक्त बहुत से लोग गुस्सा हो गए थे, क्योंकि माना कि पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड की हालत खराब रही है और साउथ की फिल्मों ने अच्छी कमाई की है। लेकिन यह भी सच है कि बॉलीवुड ने सालों तक अच्छी फिल्में बनाकर दी है। यहाँ तक कि जो रजनीकांत आज साउथ फिल्म इंडस्ट्री के किंग बनकर बैठे हैं, उन्हें रेडी में अमिताभ बच्चन की एक दो नहीं बल्कि 15 फिल्मों को साउथ में रीमेक किया था, जिनसे उनकी पॉपुलैरिटी रातों रात बढ़ गई और वह साउथ फिल्मों के भगवान बन गए। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फॉलो करें।